ईवीएम जो है वो मोदी की सौतेली माँ है। जब भी ईवीएम चाहेगी मोदी को आशीर्वाद दे देगी, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के होंगे। हम भी श्री राम को मानने वाले हैं, हमें भी श्री राम का धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि किसी को मारें। जब तक जय श्री राम का नारा लगता रहेगा, लोगों के साथ मारपीट काट होता जाएगा। मोदी जी की कथनी और करनी कार्य नीति का विवेक संदिग्ध है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गाय माता है, बैल पिता है। गोरक्षा की बात करते हो, केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार बात करती हो, उन सबके काम है। हिंदुस्तान इसलिए नहीं कि ये कभी हिंदुस्तान था ही नहीं। प्रधानमंत्री की पत्नी है वो, लेकिन उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख ले। अगर वो देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो मैं वाकई में देश को छोड़कर और दुनिया से भी रुखसत हो जाऊंगा। वरना तो 50 साल तक मोदी है भैया, उसको कोई भी नहीं हटा सकता। ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, मुझे मरने जीने का डर नहीं। अब कहते हैं कि जज्बे शौके शहादत का क्या पूछिए, मैंने अपने ही हाथों में सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर में कब तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां इस वक्त मेरे साथ एक सैनिक मौजूद हैं और इनकी मांग ये है कि फौरी तौर पर फौरन ईवीएम मशीन पर रोक लगनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। एक सैनिक की तरफ से ऐसी बात क्यों आ रही है, ये जानने की मैं कोशिश करता हूं आपसे। क्यों इस तरह की बात आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम बंद हो जानी चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है हमारे देश में? सर, आज तक चुनाव होते आए हैं और जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें जो भी लोग चुन कर गए हैं उनके चुन के जाने के बाद में भी सामाजिक मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ। जो भी सांसद सदस्य चुन के गया है वो या तो किसी दल विशेष की बात करता है या किसी धर्म विशेष की बात करता है या किसी संस्था विशेष की बात करता है, लेकिन हर सांसद का उत्तरदायित्व बनता है कि वो एक सांसद क्षेत्र कोई भी हो, वो 125 करोड़ इस देश के नागरिकों का सांसद है, उनको देखकर उस बात को रखना चाहिए। ईवीएम मशीन लोग कहते हैं इसका कानून बन गया है, सांसद को सांसद में इसके ऊपर बेस करनी चाहिए। जब ईवीएम मशीन का सबसे पहले वोटिंग हुआ केरल के विधानसभा क्षेत्र पेरूर में, 50 मतदान केंद्रों पर किसकी परमिशन थी, सरकार बताए, जो मौजूदा सांसद सदस्य हैं वो बताए कि किसकी परमिशन थी, कैसे हो गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में अपने एक आदेश पारित किया कि उसको रेगुलाइज किया जाए, तब हुआ, रेगुलाइज हुई। उसमें 161 में, 151 में, 126, 126 ए जो वोटिंग से पहले परिणामों को घोषित करना, उन चीज़ों की रोक लगी है, क्यों नहीं हुई। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, एक सवाल इनसे ले लेता हूँ मैं। क्या आपकी नाराजगी है ईवीएम को लेकर, क्यों नाराजगी है आपके अंदर? ऐसा है कि जब बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा था तो उसमें सबको आज़ादी दी गई थी कि जनता अपनी मर्जी से वोटिंग करे, लेकिन जनता की मर्जी आज नहीं चल रही है। जनता की मर्जी से हटकर ये लोग काम कर रहे हैं। ईवीएम कहाँ का है, जापान का, हमारा भारत जापान नहीं है। और बाबा साहब ने संविधान कहाँ का लिखा था, हिंदुस्तान का, इंडिया का, हिंदुस्तान नहीं, भारत या इंडिया। लेकिन हिंदुस्तान क्यों नहीं, हिंदुस्तान इसलिए नहीं कि ये कभी हिंदुस्तान था ही नहीं। इसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, उसके बाद बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा तो उसमें भारत या इंडिया है, भारत या इंडिया है। तो कहने की बात यह है कि हिंदुस्तान तो है ही नहीं है। अब कहने की बात इन चीज़ों पर बहस नहीं है, बहस यह है कि बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी वो मत अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी कि सबको बराबरी का हक मिले, लेकिन कुछ लोगों ने उस टाइम में भी विरोध किया था। आज वही गांधीवादी लोग बैठे हुए हैं
जो चाहते हैं कि ईवीएम चलता रहे, क्योंकि ईवीएम जो है वो मोदी की सौतेली माँ है। जब भी ईवीएम चाहेगी मोदी को आशीर्वाद दे देगी। मोदी जी प्रधानमंत्री देश के होंगे, उन्होंने कॉन्फिडेंसली तरीके से ये कहा कि मैं 50 साल देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके मैं इस बार चलने वाला हूँ, ये नया नारा दिया है उन्होंने। नहीं, ये गलत नारा है। सबका विनाश, सबके साथ बकवास और नारियों का शोषण, ये उनका नारा है। असली नारा वो तो दिखाने के लिए वो नारा है, लेकिन असली नारा तो ये है। अभी भारत के स्वरूप बदलने की बात हमारे से कुछ मीडिया वालों ने किया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई भारत का स्वरूप तो नहीं बदला, मोदी जी का स्वरूप बदल गया ज़रूर। जो आदमी कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो अपनी बीवी को तो पहले बचाएं। उनकी बीवी एक औरत है सबसे प्रथम, और देश राष्ट्र की गौरव है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री की पत्नी है वो। लेकिन उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है? तो ये तो बेकार की बकवास वाली बातें हैं। मेरा कहना ये, हमारा उनके घरेलू मतलब बातों से लेना देना कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि देश का जो वोटिंग है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर जो है देश का स्वाभिमान है। पहले प्रजातंत्र शुरू हुआ तो बैलेट से हुआ, और ख़त्म भी बैलेट से हो रहा है। तो ये गलत तो सवाल और आपसे लेने, आप बताइए क्या कह रहे हैं सर। आपने जैसे कहा मोदी जी की निष्पक्ष कार्य नीति है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। इस देश के अंदर पुलवामा अटैक के बाद में इस देश ने शहीदों के सम्मान, शहीदों के कार्य और शहीदों के काम पर इलेक्शन लड़ा। अभी इसी जून और जुलाई माह में शहीदों की विधवा हो, विकलांग शहीद हो या भूतपूर्व सैनिक हो, उनको रेजिमेंटल दुकानें अलॉटमेंट करने में मोदी सरकार ने 7,000 रुपये महावर की दुकानें 7,00,000 रुपये महावर में दी, जिसके कारण सिक्योरिटी के सुरक्षा के जो भी मापदंड है वो ठीक नहीं थे। और ऐसी नीति अपनाने की वजह से जोधपुर में अभी एक भूतपूर्व सैनिक को, जिसकी मीडिया में खबर है दैनिक जागरण में, जोधपुर के अंदर अफीम बेचता पकड़ा गया। ये अफीम बेचते पकड़ा जाना ये उस सैनिक की मजबूरियां हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने जो 2,000 रुपये की दुकान थी वो 7,00,000 रुपये रेंट पे, मुझे लगता है कि ए क्लास की सिटी ए क्लास की मार्केट में भी ये नहीं हो सकता। उन विकलांग सैनिकों को, उन शहीद विधवाओं के आरक्षित कोठे को ख़त्म कर उनको 2,000 रुपये की दुकान 40,000 रुपये में और 7,000 रुपये की दुकान 7,00,000 रुपये में अभी दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में अलॉट हुई है। क्या वो 7,00,000 रुपये की इनकम उस चीज़ से दे सकते हैं? दे भी सकते हैं तो क्यों उनका रिजर्वेशन ख़त्म किया? मोदी जी की कथनी और करनी कार्य नीति का विवेक संदिग्ध है। इस देश को सोचना पड़ेगा। इस देश के अंदर एक सच्चे सैनिक ने ये बात रखी कि देश के अंदर खाना, सैनिक को खाना ठीक नहीं मिलता। इस देश के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है। उस सैनिक को मोदी जी के वर खिलाफ चुनाव लड़ने से भी कानूनी अटकलें लगाकर रद्द कर दिया गया। तेज बहादुर की बात आप कर रहे हैं। एक सवाल मेरा मॉब लिंचिंग को लेकर है। जिस तरह के वाकयात मॉब लिंचिंग के हमारे देश में हो रहे हैं, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जब तक जय श्री राम का नारा लगता रहेगा, लोगों के साथ मारपीट काट होता जाएगा। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद कांग्रेस एक संगठन के रूप में उभरा, उसको पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल दी गई, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गाय माता है बैल पिता है। लेकिन तबरेज़ अंसारी का आपने सुना होगा, झारखंड में,
झारखंड में किस तरह से बेरहमी के साथ खंभे से बांधकर मारा गया, क्या ये देश का स्वरूप बदला हुआ लगता है आपको? मेरे को तो नहीं लगता भैया। क्यों के स्पष्ट बात तो ये है कि ये इनका काम है विदेशी आकाओं को खुश रखना और अपने सत्ता को बरकरार रखना। अगर मोदी जी में दम है, मैं चैलेंज करता हूँ, मोदी जी में दम है तो वो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख ले। अगर वो देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो मैं वाकई में देश को छोड़कर और दुनिया से भी रुखसत हो जाऊंगा और कब्र के नीचे जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा साहब का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है, इसको ये मिटाना चाहते हैं क्या? क्या दिखाना चाहते हैं कि विदेश की चीज़ें अच्छी है? ये कभी स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाया करते थे, आज ये विदेशी माल कहाँ से आ गया? इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप भारत के हैं तो भारत की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। ये जापान क्या है? जापान भारत का अंग है क्या? नहीं, जापान हमारा नहीं है, हमारा भारत है। हम भारत को जिंदा रखने के लिए स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं और लोग अपनी मर्जी से उस पर मोहर लगाएं, उसके बाद बैलेट डिब्बे में डालें, तब जाकर देश का सपना पूरा होगा। वरना तो 50 साल तक मोदी है भैया, उसको कोई भी नहीं हटा सकता, ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। अच्छा, यानी जब तक EVM है तब तक मोदी जी राज करेंगे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इससे पहले जनसंघ थी पार्टी, मोदी जी के पूर्वज भी लगे हुए थे उस जनसंघ में, क्यों नहीं कामयाब हो गए? सच्चाई है कि नहीं? आज ये EVM कहाँ से आ गया? जनसंघ भी तो बैलेट पेपर से ही चुनाव करती थी और करवाती थी, लेकिन आज ये EVM कहाँ से आ गया? मोदी जी वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने बात किया, चीप किस तरह से लगेगा, इससे उसका कनेक्शन कैसे होगा, कैसे अटैचिंग होगी, ताकि जो है हम कमल पे बटन दबाते जाएं। अभी आपने सुना होगा कि 50 लाख EVM चुनाव आयुक्त के यहाँ से चोरी हो गया। चुनाव आयुक्त से पूछा जाता है तो कहते भाई हमें तो पता नहीं। भाई आप समाज और देश की जनता का तनख्वाह खाते हो, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो चोरी हुई है उसकी छानबीन कराएं। आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आप लोग उनके गुलाम हैं जो अभी प्रधानमंत्री बनकर देश में चले। मुझे मरने जीने का डर नहीं है। अब कहते हैं कि जज्बे शौके शहादत का क्या पूछिए, मैंने अपने ही हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर में कब तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। हम डरने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लड़ने और मरने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आप तो इसका मतलब खुला चैलेंज दे रहे हैं, EVM और बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपसे एक आखिरी सवाल मेरा और जल्दी से इंटरव्यू में ख़त्म करता हूँ, श्री राम के नारे के साथ किसी को मार देना ये किस हद तक सही है? ये सवाल है। ये बिल्कुल भी गलत है। हम भी श्री राम को मानने वाले हैं, हमें भी श्री राम का धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि किसी को मारें। जैसे आज हम निडरता से अपनी बात रख रहे हैं, वैसे हर आदमी को निडरता से बात रखने का अधिकार होना चाहिए, यह संविधान देता है। और जो भी ये काम हो रहे हैं वो उन बूचड़खानों के मालिकों के, जिनको हमेशा केंद्र सरकार का संरक्षण रहा है, उनके तहत हो रहा है। भैया वर्कर गोरक्षा की बात करते हो, केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार बात करती हो, उन सबके काम है। और RTI लगा लो, चाहे गवर्नमेंट से पूछ लो, भैया बूचड़खाने किस किस के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। मेरे हिसाब से आज तक 122 का चल रहा है, रजिस्टर टाइप से अनऑथराइज तरीके से और चल रहे हों, उसमें 2-4 बूचड़खाने मुसलमान समाज के होंगे और बाकी सब अदर समाज के हैं। वर्कर मेरा जैसा बेचारा मुस्लिम भी हो सकता है। मोदी जी से ये बात कहना चाहेंगे कि आप बहुत बहुत बड़े बदलावे ला रहे हैं। मैं ये चाहूँगा जर्मनी जैसा विकसित देश ने भी वोटिंग मशीन की प्रणाली को छोड़कर वापस मतपत्र पे आ गए हैं। हमें इंसाफ देना है, हमारी बात के रखना है, हम रख सकें आपके पास में, तो आप भी जो है हमें वापस बैलेट पेपर पे ले आए, और आपका बहुमत है, आप ऐसा कर सकते हैं।
तो आपने देखा, इस वक्त मैं बात कर रहा था, एक सैनिक थे और एक किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जिनका ताल्लुक़ था, वो शख्स मेरे साथ इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये दो शख्स मौजूद थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से जब तक चुनाव होता रहेगा तब तक मोदी सरकार इस देश में राज करती रहेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाज़िम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।